प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में जो दो वीडियो आपको दिए गए उसमें जो है आपने क्या होता है बहुपद जाना, बहुपद की घात क्या होती है ये जाना। उसके बाद आपने उसमें एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, इन सब के बारे में आपने सीखा। अगर कोई बहुपद है एक घात वाला है उसको लिनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक घाती बहुपद। अगर कोई भी बहुपद द्वि घात वाला है यानी कि उसकी घात दो है, यानी कि सबसे अधिक घात वाला जो पद होता है उसकी घातांक, राइट, सबसे अधिक घात वाला जो पद होता है उसकी घातांक को उसका क्या कहते हैं, उस बहुपद की घात। अगर बहुपद की घात एक है तो उसको क्या बोलते हैं, एक घाती बहुपद, लिनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। यदि किसी में बहुपद की जो घात है वो दो है तो उसको द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि जो है बहुपद की घात तीन है तो उसको त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कोई भी बहुपद है अगर उसकी घात है, घात का मतलब जानते हो ना कि जो सबसे बड़ा यक्ष की जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी बहुपद में, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। और बहुपद की घात अगर एक है तो उसको क्या बोलेंगे, जो है लिनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद। और दो है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर उसकी घात तीन है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं यानी कि त्रिघाती बहुपद। अब थोड़ा और चीज़ें देखते हैं जो आपने पहले भी पढ़ा है क्लासेज में, छोटे छोटे क्लास में सब सिखाया जाता है कि बहुपदों का योग, अंतर, उनका गुणनफल और उनका भागफल हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप पहले पढ़े हो, जैसे मान लीजिए एक बहुपद है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये है मान लीजिए px के बराबर। और दूसरा बहुपद है इसकी घात कितनी है, 4, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 4। ये बहुपद है, देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है। दूसरा बहुपद है 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए पी एक्स प्लस क्यू एक्स या पी एक्स माइनस क्यू एक्स, एक चीज और देखिए, यहाँ पी एक्स की घात 4 है, क्यू एक्स की घात 3 है। तो अगर दो बहुपद हैं उनकी घातें अलग अलग हैं, जैसे इसकी घात 4, इसकी घात 3 है, तो इनके योगफल की जो घात होगी वो जो बड़े बहुपद यानी जो बड़ी घात वाला बहुपद है वही होगी। यानी कि इसकी घात 4 है, इसकी घात 3 है, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स की घात भी 4 ही होगी, ध्यान रखिएगा। अलग अगर अलग अलग घात है दोनों की, जैसे पी एक्स की घात 4 है, क्यू एक्स की घात 3 है, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स की घात क्या होगी, 4, राइट। अगर पी एक्स माइनस क्यू एक्स करेंगे तो उसकी भी घात 4 होगी, बड़ी वाली। अगर ध्यान रखना, मान लीजिए यम यन से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना यम यन से बड़ा होगा तो जो पी एक्स प्लस क्यू एक्स और पी एक्स माइनस क्यू एक्स की घात हो वो होगी यम, बड़ी। अगर बेटा इक्वल होने पर क्या होता है कि हो सकता है वो कैंसिल हो जाए तो घात अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर अलग अलग घात है तो जो इस बहुपद की घात कितनी है, 4, इस बहुपद की घात 3 है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई कैंसिल तो होगा नहीं, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो रहेगा ही, तो बहुपद की घात पी एक्स प्लस क्यू एक्स या पी एक्स माइनस क्यू एक्स की 4 होगी, बड़ी वाली। अब इनको जोड़ते कैसे है देखते हैं, अभी उसको बताएंगे। पी एक्स प्लस क्यू एक्स जोड़ते हैं तो एक्स की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो आप सजाती पदों के बारे में पढ़े हो जैसे छोटे क्लास में, उसी तरीके से कि एक्स की घात 4 वाला कोई पद है नहीं है तो ये अकेले एक्स घात 4 हो गए। अब क्यूब वाला देखते हैं, 7x क्यूब है, ये भी अकेले 7x क्यूब हो गया। 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 9 12 हो गया, जैसे पहले जोड़ते थे हम। और यहाँ 7x दोनों प्लस प्लस है, राइट हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 9 और 7 जोड़ दिए 16। अब बहुपद की घात कितनी हो गई, 4। इस तरीके से जोड़ते हैं, जैसे इसका देखिए कोई सजातीय पद नहीं दिख रहा है तो अकेले लिख देंगे, 7x क्यूब का भी नहीं दिख रहा है वो भी लिख देंगे। उसके बाद जो है देखिए 3x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर, 7x और 2x, 9x और 9, 7, 16। अगर ये px माइनस qx होता
इनका अंतर होता है। 3x घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 माइनस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब घटाएंगे 3x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 माइनस 7x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस। यहां देखिए x घात 4 वाला कोई टर्म नहीं तो इसको आप लिख देंगे, माइनस 7x क्यूब भी इसको लिख देंगे। अब देखिए 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, अब इनका कोफिशियंट देखिए, x स्क्वायर का कोफिशियंट 3 है, यहां माइनस 9 है। जब अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे और चिन्ह बड़े वाले लगाएंगे। यहां देखिए प्लस है माइनस है तो घटेगा, तो बड़ा कौन है 9, तो उसका चिन्ह माइनस माइनस 6x स्क्वायर। यहां देखिए प्लस 7x माइनस 2x, जब अलग अलग चिन्ह होगा घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा तो बड़ा कौन है प्लस 7, तो 7 में 2 गया 5x और 9 में 7 गया 2। इस तरीके से हम पी एक्स माइनस क्यू एक्स ज्ञात कर लेंगे। 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 और क्यू एक्स है दूसरा सवाल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, दोनों की घात 3 ही है तो ऐड करेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स ऐड करेंगे क्या होगा 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ऐड करेंगे। अब देखिए 7x क्यूब है यहाँ 2x क्यूब है तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस है तो देखिए 7x क्यूब में 2x क्यूब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो x क्यूब कॉमन 7 प्लस 2 9 9x क्यूब, यहाँ 9x स्क्वायर है 3x स्क्वायर है 12 हो गया, दोनों चिन्ह समान है जुड़ जाएगा, ऋण 8x धन 5x घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा माइनस 3x और यहाँ माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए इसकी घात 3 है, इसकी घात 3 है जुड़ेगा, यहाँ देखिए x स्क्वायर इसमें इसमें एक घात एक घात, सब अपने अपने घात वालों में जुड़ेंगे घटेंगे। जैसे पी एक्स माइनस क्यू एक्स अगर इसको क्या लिखेंगे 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। आप जानते हो माइनस है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x प्लस 7। फिर अपनी अपनी घात ढूंढिए, 7x क्यूब है 2x क्यूब है तो क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो बड़ा बड़ा कौन है 7, इसका चिन्ह प्लस है 5x क्यूब, 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस है तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ऋण जो है 8 है ऋण 5 है तो ऋण 13 और यहाँ ऋण 5 धन 7 है प्लस 2। x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 8 और qx है x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए यहाँ घात 7 है यहाँ घात 5 है, अगर दोनों को जोड़ते हैं px प्लस qx करेंगे क्या होगा, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 8, इसमें प्लस करेंगे x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए x की पावर 7 सबसे बड़ी पावर देखते हैं, ये अकेला है x की पावर 7, x की पावर 5 यहाँ भी है यहाँ भी देखिए तो 2 और 1 3 हो जाएगा 3x की पावर 5, 2x की पावर 4 है 3x की पावर 4 है दोनों प्लस है जुड़ जाएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस 3x क्यूब अकेला है तो लिख लेंगे माइनस 3x क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर भी हो गया, 7x भी अकेला है तो इसको भी लिख देंगे और यहाँ माइनस एट माइनस 9 17। तो इस तरीके से आपको पी एक्स प्लस क्यू एक्स मिल गया। पी एक्स माइनस क्यू एक्स अगर करेंगे ध्यान दीजिएगा, पी एक्स माइनस क्यू एक्स पी एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 8
में घटाएंगे इसको, x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 8 माइनस x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। चिन्ह बदल जाएगा, सबसे बड़ी पावर लिखते हैं माइनस एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 5 में माइनस 2x की पावर 5। देखो यहाँ एक है गुणा में, यहाँ ऋण 2 है तो ऋण 1 बचेगा, ऋण x की पावर 5। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए 2x की पावर 4 और यहाँ देखिए उसी जो घात है सेम वाला देखिएगा, 2x की पावर 4 है माइनस 3x की पावर 4 है, तो 2 ऋण 3 ऋण x की पावर 4। अब ऋण 3x क्यूब अकेला है इसको लिख लेंगे, यहाँ देखिए प्लस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 7x और 9 में 8 गया। इस तरीके से आप पी एक्स माइनस क्यू एक्स ज्ञात कर लेंगे। आपने बच्चों बहुपदों का योगफल किया, बहुपदों का अंतर किया, इसको आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अब आप बहुपदों का गुणनफल सीखेंगे, उसके बाद भागफल। जैसे एक देखिए बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, राइट। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, राइट। तो मल्टीप्लाई आप पहले भी किए होंगे, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब पूरा इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 7x लिखेंगे पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 9 लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। पहले भी इस तरीके से गुणा करिए होंगे आप, एक्स स्क्वायर लिखेंगे पूरा ही ब्रेकेट प्लस 7x पूरा ही ब्रेकेट प्लस 9 पूरा, चिन्ह सही। अब देखिए गुणा करेंगे बेटा, गुणा में देखिए बेस समान है घाते हो जाएंगे, तो 2 और 2 4, यहाँ 3x में एक्स स्क्वायर गुणा हुआ 3x क्यूब, 4 में गुणा हुआ 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घात 4, एक्स स्क्वायर में 3x का गुणा हुआ 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 4 में 4x स्क्वायर। अब 7x का एक्स स्क्वायर हुआ 7x क्यूब, 7x का 3x में हुआ 7 3 21x स्क्वायर, 7x का 4 में 7 28x, 9 का गुणा हुआ 9x स्क्वायर, 9 3 27x, 9 4 36। अब हम देखेंगे, देखिए x की पावर 4 वाला कोई है नहीं है तो इसको अकेले लिख देंगे। अब 3x क्यूब देखिए, चाहे एक साथ लिख लीजिए, एक साथ लिख करो ऐड कर लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए, देखिए 3x क्यूब दोनों प्लस प्लस है, देख रहे हो पावर समान है दोनों की, ऐड हो जाएंगे सजाती हैं, तो 7 और 3 ऐड हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब x स्क्वायर देखते हैं, देखिए यहाँ है प्लस, यहाँ भी और यहाँ 21 और 9 जुड़ेगा 30, 4 34, 34 एक्स स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ देखिए 28 और 27 देख रहे हो, तो 28 27 क्या हो जाएगा 55 और यहाँ प्लस 36। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपसे कोई कहे x प्लस 7 में x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसकी घात 1 है इसकी भी घात 1 है, देखिए अगर इसकी घात 2 है इसकी घात 2 है तो गुणनफल में जो प्राप्त होगा बहुपद उसकी घात जुड़ जाएगी 2 2 4। यहाँ इसकी घात 1 है इसकी घात 1 है, जो गुणनफल के बाद जो बहुपद मिलेगा उसकी घात 2 हो जाएगी, जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए यक्स लिखेंगे यक्स माइनस 3 प्लस 7 लिखेंगे यक्स माइनस 3, अब गुणा करेंगे यक्स में यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स, 7 में गुणा करेंगे 7 यक्स माइनस 20। समझ गए आप, एक्स लिखेंगे पूरा ब्रेकेट यक्स माइनस 3 प्लस 7 लिखेंगे यक्स माइनस 3, एक्स का यक्स में गुणा हुआ यक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में 3 यक्स माइनस 3 यक्स प्लस 7 यक्स माइनस 20। अब देखिए यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों देखिए x की पावर 1 है x की पावर 1 है, चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग है रहेगा तो घटेगा और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, बड़ा 7 है तो उसका चिन्ह प्लस, 7 में 3 या 4 4x माइनस 21। ये गुणनफल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 x माइनस 3 में मल्टीप्लाई किया गया है, तो देखिए ये बहुपद है ये भी बहुपद है, जब गुणा करेंगे तो देखेंगे x स्क्वायर और ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 5x लिखेंगे ब्रेकेट में x माइनस 3
प्लस थ्री लिखेंगे एक्स माइनस थ्री, सब में एक्स माइनस थ्री का गुणा हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स का एक्स में करेंगे फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिफ्टीन एक्स, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री थ्री जाना है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक्स क्यूब अकेले है, अब यहाँ देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर है, तो दोनों की घात देखिए दो है, यहाँ भी दो है तो जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, पाँच और ऋण तीन है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, तो पाँच में तीन गया दो तो प्लस दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो ऋण पंद्रह एक्स में तीन एक्स ये भी सजाती है तो ऋण बारह एक्स और ऋण नौ माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो हम क्या कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री माइनस सेवन एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ प्लस फाइव करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अभी एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स की घात चार माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस सेवन एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर और माइनस ट्वेंटी वन एक्स, बहुत ध्यान से करिएगा। सेवन एक्स के इसमें हुआ है एक्स क्यूब एक घात और दो घात तीन, यहाँ माइनस माइनस प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस ट्वेंटी वन एक्स। पाँच का गुणा करेंगे पाँच एक्स स्क्वायर माइनस पाँच दूनी दस एक्स प्लस पंद्रह पंद्रह। अब यहाँ एक्स घात चार हो गया। अब देखिए माइनस टू एक्स क्यूब है माइनस सेवन एक्स क्यूब है, तो माइनस सेवन माइनस टू है तो ऐड हो जाएगा माइनस नाइन एक्स क्यूब। वर्ग वाला देखिए ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस तीनों जुड़ जाएगा, चौदह तीन सत्रह पाँच बाईस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए इक्कीस और दस दोनों माइनस माइनस हैं ऐड हो जाएगा इक्कीस दस इकतीस एक्स और प्लस पंद्रह प्लस थ्री एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू, यही मल्टीप्लाई करना है बच्चों, सेम वही तरीका लगाना है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस टू राइट, और इधर गुणा करेंगे प्लस थ्री एक्स एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू और प्लस वन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू। अब आराम से देखिए गुणा करते बहुत सावधानी से करिएगा, यहाँ तीन और दो है तो पाँच हो जाएगी एक्स की पावर फाइव, यहाँ दो है और एक है तो पाँच एक्स क्यूब, यहाँ देखिए सेवन एक्स क्यूब, देखिए ध्यान दीजिएगा सेवन एक्स यहाँ फाइव, तो यहाँ गुणा होगा एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर में तो एक्स की पावर फाइव फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स की पावर फोर हो जाएगा, सेवन एक्स का एक्स स्क्वायर में होगा सेवन एक्स क्यूब और टू का इसमें होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ थ्री एक्स का एक्स क्यूब हुआ थ्री एक्स की पावर फोर, थ्री एक्स इसमें हुआ फिफ्टीन एक्स क्यूब, थ्री एक्स का इसमें हुआ ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर राइट, और माइनस थ्री टू जस्ट सिक्स एक्स। तो अगला प्लस एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वन का गुणा हुआ। अब देखिए आप देखिए एक्स की पावर फाइव अकेले ही है, पावर फोर में देखिए माइनस फाइव एक्स की पावर फोर है प्लस थ्री एक्स की पावर फोर है, घात समान है, ऋण पाँच है धन तीन है तो बड़ा कौन है पाँच, तो ऋण लगेगा पाँच में तीन गया दो घटा दी, सेवन एक्स क्यूब है और यहाँ फिफ्टीन और यहाँ एक है तो यहाँ देखिए सात और एक आठ हो गया, यानी आठ एक्स क्यूब ऋण पंद्रह एक्स क्यूब ऋण सात एक्स क्यूब, क्यों वैसे भी देखिए ऋण पंद्रह धन एक ऋण चौदह सात ऋण चौदह ऋण सात हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर देखते हैं, देखिए ये है और ये देखिए पाँच और दो दोनों ऋण है जुड़ जाएंगे पाँच दो सात, और यहाँ इक्कीस प्लस इक्कीस है तो इक्कीस माइनस सात चौदह एक्स स्क्वायर प्लस जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा। अब बचा यहाँ जो है सेवन एक्स ध्यान दीजिएगा और यहाँ सिक्स एक्स, तो सात एक्स में छः एक्स के क्या बचेगा प्लस एक्स और माइनस टू, इस तरीके क्वेश्चन होगा।
यारे विद्यार्थियों, अभी आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन भी योग फल अंतर गुणन फल मिलेंगे। थोड़ा हम भागफल पर भी प्रैक्टिस करते हैं। भागफल जैसे ध्यान दीजिए, भागफल में जैसे एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन है। मान लीजिए आप x प्लस टू का डिवाइड करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको जो है, ध्यान दीजिएगा ये इसको बोलते हैं डिविडेंड, ए होता है डिवाइजर, जो आएगा वो भागफल को कोसेंट और जो बचेगा वो रिमाइंडर शेष फल। ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ए है भाजक डिवाइजर, जो आता है भागफल उसको कोसेंट और जो बचता है उसको रिमाइंडर। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये x प्लस टू है तो भाग देते वक्त सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बच्चों सीखिएगा इसका बड़ा काम पड़ेगा आपको। यहाँ पावर तीन है, यहाँ पावर एक है, तो इसमें से इसको डिवाइड कर लिया करो। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करो बहुत अच्छा नहीं, कहीं रफ में आप डिवाइड कर लिया करो, एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड किया करो, इसकी बड़ी घात को इससे डिवाइड किया करो, यानी कि इसकी घात कितनी है तीन, इसकी घात एक, इसमें अंतर दोनों में दो का, तो दो का अंतर है तो दो बार ले जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। यहाँ देखिए घात तीन है, यहाँ घात एक है, तीन में गया तो दो बार ले जाएंगे। अब इस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सिखाया आपको मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस टू में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का टू में प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब जानते हो यहाँ घटाया जाता है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस माइनस अभी कैंसिल हो जाएगा, पहला वाला पद हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस सेवन एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले का चिन्ह लगेगा प्लस, सात में दो गया पांच, पांच एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स धन नौ। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे, पांच एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करेंगे, यानी इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, प्लस पांच एक्स स्क्वायर यानी कि इसका डिवाइड करेंगे, पांच एक्स स्क्वायर जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पांच एक्स बार जाएगा, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब पांच एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा पांच एक्स का एक्स में गुणा करेंगे फाइव एक्स स्क्वायर, और पांच एक्स का इसमें गुणा करेंगे फाइव टू जाए टेन एक्स, अब फिर यहाँ घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, अब पांच और यहाँ ऋण दस है तो चिन्ह ऋण लगेगा, और ऋण पांच एक्स, क्योंकि दस बड़ा है तो चिन्ह ऋण का और दस में पांच गया पांच। अब क्या करेंगे, यहाँ ऋण पांच एक्स में फिर एक्स का डिवाइड करेंगे, तो ऋण पांच एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे, ऋण पांच बार जाएगा, तो ऋण पांच के इसमें गुणा करेंगे ऋण पांच एक्स, और ऋण पांच का दो में गुणा करेंगे ऋण दस, क्योंकि ऋण धन का गुणा ऋण। अब क्या करेंगे, इसको जो है चिन्ह बदलेंगे, इसका प्लस घटाएंगे, यहाँ भी प्लस कैंसिल हो गया, आ गया नौ और दस जोड़ेंगे उन्नीस। ये आपका भागफल आया, ये आपका शेषफल आया, ये भाजक है और ये भाज्य है, ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। उत्तर की जांच कभी कभी आता है तो आप लोग सब जानते हो, जो भाज्य होता है, भाज्य जानते हो, ये भाज्य है, ये होता है भाजक, भाजक मतलब जिससे आपने भाग दिया, गुणे भागफल मतलब कोसेंट प्लस रिमाइंडर शेष फल। भाज्य बराबर क्या होगा, ये भाज्य है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, ये डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये ध्यान दीजिएगा। तो भाजक गुणे भागफल करती है और प्लस शेष फल, तो भाजक क्या है x प्लस टू, गुणे भागफल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, प्लस शेष फल क्या है उन्नीस। अभी गुणा करेंगे तो यही यही आपका आएगा भाज्य, देखिए गुणा भी करना सीखे थे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस नाइनटीन, तो एक्स का एक्स स्क्वायर गुणा हुआ एक्स क्यूब, x का पांच एक्स में हुआ पांच एक्स स्क्वायर, x का पांच में हुआ पांच एक्स, दो का एक्स स्क्वायर में हुआ टू एक्स स्क्वायर, टू फाइव या टेन एक्स माइनस टू फाइव या टेन प्लस नाइनटीन। अब x क्यूब हुआ और एक्स स्क्वायर फाइव और टू सेवन एक्स स्क्वायर, राइट, और प्लस टेन माइनस फाइव है प्लस फाइव एक्स,
और 19 में 10 गया क्या बचा 9, तो ये आप देखिए वही आ गया, देखिए वही आ गया, भाज्य के बराबर आ गया। इसका x की पावर 5 प्लस 1, यहाँ x प्लस 1 है, डिवाइड करना वही रूल है कि घात इसकी 5, इसकी घात 1 है, घटा देंगे तो घात 4 आ जाएगी, ठीक, मतलब एक प्रकार से इसमें से इसका डिवाइड करेंगे। अब x की पावर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, राइट, x की पावर 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस x की पावर 4 प्लस 1। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस x क्यूब बार जाएगा, रीड x क्यूब का गुणा करेंगे तो रीड x की पावर 4, और रीड x क्यूब का 1 में करेंगे तो रीड x क्यूब, तो घटाएंगे तो यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, कैंसिल x क्यूब प्लस 1। अब x क्यूब प्लस 1 में फिर डिवाइड करेंगे तो कई बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x क्यूब और प्लस x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो रीड x स्क्वायर प्लस 1। अब फिर रीड x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे रीड x बार जाएगा, रीड x का x में गुणा करेंगे रीड x स्क्वायर, रीड x का 1 में करेंगे रीड x, चिन्ह बदलेंगे प्लस प्लस x प्लस 1। अब x प्लस 1 x का x में डिवाइड करेंगे प्लस 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे x प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जीरो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे आप फिर यही आ जाएगा, क्यों आएगा x की पावर 5 प्लस 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 5 प्लस 1। देखिए आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये भागफल गुणे भाजक x प्लस 1, शेष तो जीरो है, तो देखिए गुणा करेंगे x की पावर 4 x प्लस 1, राइट, अब इधर गुणा करेंगे रेड x क्यूब x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस x x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, यहां गुणा करेंगे x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, देखिए कैंसिल होता चला जाएगा प्लस माइनस है, तो आपका जवाब हुआ x की पावर 5 प्लस 1। बच्चों ये डिवाइड करेंगे, इसकी घात 4 है, इसकी घात 2 है, तो डिवाइड करेंगे देखिए कैसे, घात 4 है 2 है, तो देखिए इसमें इसका डिवाइड करेंगे 3x घात 4 में x स्क्वायर का कितनी बार जाएगा 3x स्क्वायर बार जाएगा, देखिए इसको इतना बटी इतना करेंगे 2 घात कट जाएगी, 4 में 2 गया 2, अब 3x स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3x की पावर 4 और 3 2 जा 6x क्यूब और 3 जा 9x स्क्वायर, डिवाइड कर लेंगे आप। अब देखिए 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें 3x की पावर 4, 3 2 जा 6x स्क्वायर से 6x क्यूब, 3 जा 9x स्क्वायर, अब घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होना ही है, 7 में 6 गया 1 x क्यूब आ गया, 5 में 9 गया ऋण 4x स्क्वायर प्लस 7x धन 3, राइट। अब देखिए x क्यूब है यहाँ x स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे तो x बार जाएगा x क्यूब अपान x स्क्वायर x होगा, अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब 2x में 2x स्क्वायर, राइट, x का 3 में 3x, अब यहाँ माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7 3 गया 4x प्लस 3, बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा इसमें। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 बार जाएगा, ऋण 6 का गुणा करेंगे ऋण 6x स्क्वायर और ऋण 6 दूनी 12 ऋण 12x और ऋण 6 त्रिक 18 ऋण 18। अब यहाँ देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए कि यहाँ प्लस प्लस और प्लस कैंसिल हो गया, अब यहाँ 12 4 16x और यहाँ 18 3 21, अब नहीं जाएगा क्योंकि इसकी घात कम हो गई, या तो यहाँ 0 आ जाएगा या तो इसकी घात देखिए अब यहाँ 2 है और इसकी घात 1 है, अब ये शेषफल हो गया। अब क्या करेंगे, अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते तो वही चीज, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, गुणा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का भागफल है, भाजक में गुणा करेंगे और शेषफल ऐड कर देंगे तो आपका
भाज्य आ जाएगा। तो देखिए 3x² का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, 3x की पावर 4, 3x² + 2x में 3 × 2 = 6x³ और 3 × 3 = 9x². ठीक, अब x का x स्क्वायर में करेंगे तो x³, x का 2x में करेंगे 2x², x का 3 में करेंगे 3x, 6 का करेंगे 6x², 6 का 2 में करेंगे 6 × 2 = 12x और 6 × 3 = 18 + 16x + 21। अब 3x की पावर 4, अब 6x³ और x³ मिलकर 7x³, 9x² और 2 11x², 11 में 6 गया तो 5x². अब यहां देखिए 3x और 16, 19x में 12x गया तो +7x और यहां −18 + 21 + 3। इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो कि आपने सही किया।